चुनावी चंदे पर SBI कर रहा था चालाकी। भड़क कर सी जय चंद्रचूड़ ने लगा दी क्लास। CBI की कोर्ट में सिब्बल और SG आपस में भिड़े। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने चुनावी बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फिर कड़ी फटकार लगाई। चुनावी बॉन्ड पर सुनवाई करते हुए CJI चंद्रचूड़ ने SBI बॉन्ड की पूरी संख्या बैंक को बताने को कहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में CJI ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को जो इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा मिला है उस इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक नंबर का SBI को खुलासा करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने SBI को मामले में नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा। गौरतलब है कि SBI द्वारा दी गई जानकारी को चुनाव आयोग ने शुक्रवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि क्या SBI मोदी सरकार की मदद कर रही है। और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए MSTV इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। SBI से कौन आया है? 15 मार्च 2024 की सुबह चुनाव आयोग की एक याचिका पर सुनवाई हुई। उसी दौरान CJI चंद्रचूड़ ने पूछा, SBI की तरफ से कौन पेश हुआ है? उन्होंने बॉन्ड के नंबर नहीं पेश किए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वे नंबर पेश करने चाहिए। CJI चंद्रचूड़ ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि अगर आप हमारे जजमेंट में देखें तो उसमें इस चीज के लिए विशेष तौर पर कहा गया है SBI को सारी जानकारी देनी चाहिए। CJI की कोर्ट में सिब्बल और SJ आपस में भिड़े। केंद्र सरकार द्वारा मिले तीसरे एक्सटेंशन से अब तक सॉलिसिटर जनरल के पद पर आसीन तुषार मेहता ने CJI की टिप्पणी पर कहा कि SBI इस फैसले का हिस्सा नहीं थी, SBI को नोटिस जारी किया जा सकता है। इस बीच सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अदालत के फैसले के ऑपरेटिव हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा कि SBI को सभी जानकारी देनी थी। सिब्बल की बात सुन सॉलिसिटर जनरल ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि कोर्ट SBI को नोटिस जारी कर सकता है, वही इस बारे में कुछ बता सकते हैं। CJI ने कहा कि मामले को सूचीबद्ध किए जाने पर उन्हें यह होना चाहिए था। असल में SBI ने जो किया है हम उस पर आपत्ति जता सकते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी पर SG ने फिर वही कहा जो वह पहले दो बार कह चुके थे। SG मेहता ने कहा, मैं SBI की तरफ से पेश नहीं हुआ हूँ और ना ही यहाँ राजनीतिक कारणों से हूँ। SBI को नोटिस जारी किया जाए। CJI ने SBI को नोटिस जारी करते हुए आदेश देते हुए कहा, संविधान पीठ के फैसले में स्पष्ट कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद की तारीख, ग्राहक का नाम और राशि सहित पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर उजागर नहीं किए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया जाए। हम रजिस्ट्री को सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करने का निर्देश देते हैं। क्यों हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर की मांग? 14 मार्च 2024 को SBI से मिले जिस डाटा को ECI ने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया है उससे यह पता नहीं चल रहा है कि किस राजनीतिक पार्टी को किससे कितना चंदा मिला। अभी 763 की दो लिस्ट ECI की वेबसाइट पर है। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी, बॉन्ड की रकम और खरीद की तारीख का ब्यौरा है। दूसरी लिस्ट में किस राजनीतिक दल को कब कब कितना चंदा मिला है इसका रिकॉर्ड है, लेकिन इस जानकारी से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया है। यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर के सार्वजनिक होने से यह मिलना भी संभव हो जाएगा। यह नंबर प्रत्येक बॉन्ड पर अंकित होता है।